हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकीवर। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड आप बस वीडियो को इन तक देख लीजिए, आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखना है कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, जब कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये 25% लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखो 25, अकेले 25 लिखो। अपॉन में क्या दिया हुआ है कि ए जो है बी से 25% ज़्यादा है ना, ज़्यादा लिखा हुआ है ना, मोर देन लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं। अपॉन में 100 प्लस कर दो ये जो परसेंटेज पहले दिया हुआ, जो ऊपर हमने लिख लिया या जो परसेंटेज दिया हो, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में एक ही परसेंट दिया रहेगा, ठीक। प्लस कर दो और इनटू में 100 कर दो, बस यही हमारे ट्रिक है फ्रेंड। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 25 अपॉन 125 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 125 और 5 20, तो 20% हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स बी जो होगा ए से 20% कम कमाता है, ठीक है फ्रेंड। तो यही हमारे ट्रिक है। अब फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी हमें कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया ना कि 25% मोर है, तो 25% तो है। अब मोर या कम, जैसे अधिक या कम बताया गया है, जैसे अधिक या कम बताया गया है, मोर या लेस बताया गया है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे बोल देगा ए अर्न मोर देन बी है, ए अर्न 25% मोर देन बी, तो मतलब ए जो होगा 100 प्लस जितना परसेंट दिया रहेगा उतना बी का अर्न करेगा, ठीक। समझिए कुछ कॉन्सेप्ट को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जब कभी भी हमें ऐसे बता रहे कि 20% मोर है या इतना परसेंट मोर है, इतना परसेंट लेस है, तो हमें कुछ नहीं करना है। वो वैल्यू कितना होगा कि ए, जैसे यहाँ पे ए 25% मोर देन बी है ना, तो ए बी के कितने के बराबर होगा, तो ये जानना रहेगा ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर मोर दिया रहेगा तो 100 से प्लस कर दोगे जितना परसेंट, तो उतने परसेंट के बराबर होगा बी। अगर ये लेस दिया रहेगा तो उतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे अगर क्वेश्चन में यहाँ होता कि ए अर्न 25% लेस देन बी, तो क्या करते हम, ए इज इक्वल टू जो होता वो होता हमारा 100 माइनस 25, और ये परसेंट ऑफ बी, इतना होता बी के बराबर, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अगर ये आपको ध्यान में आ गया तो यही चीज़ हमने यहाँ भी की है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, 25% मोर है तो बस अपॉन में मोर कर दो और 25 तो यही लिख दो। तो अब आपको ये भी नहीं याद रखना पड़ेगा कि कब हमें ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए इज 40% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। तो अब आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो परसेंट दिया रहे ना, उसकी वैल्यू ऊपर लिख दो। अकेले 40 लिखना है फ्रेंड, परसेंट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो पे बने रहिए। तो 40 हमने लिखे, अपॉन में मोर देन लिखा है ना, तो 100 प्लस होगा, तो इसीलिए 140 हो गया। एक लाइन में आंसर लिखिए, इनटू 100 कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व भी कर देते, ये कट गया। अब क्या, 2 से कटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कटेंगे 7 आ गया, 200 अपॉन 7 हुआ। अब देखिए 200 है ना, तो 7 से काटेंगे तो 7 2 14 हो जाता है, 6 बचेगा, 7 8 56, कितना बचेगा, 4 4 अपॉन 7 बच रहा है ना, दैट मीन्स ये होगा 14 चौक 56, तो 57 14 28। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा आंसर होगा 28.571428। ओ, ऑप्शन बस 2 ही डिजिट तक दिया है, लेकिन फिर हम अप टू 6 डिजिट तक करेक्टली निकाल सकते एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। मान के चलिए लास्ट डिजिट में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, नहीं तो अप टू 5 डिजिट तक तो एक्यूरेटली निकाल लेंगे, वो भी चुटकियों में, अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है 7 है। अगर आपको ये ट्रिक देखना है ना कि हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए बस आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 8 रहेगा 7 रहेगा, तो हम कितनी आसानी से डेसिमल वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही उसी ट्रिक का यूज़ करके मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी अप टू 6 डिजिट तक, लेकिन हमें चाहिए अकेले 2 डिजिट तक, तो यही हमारा आंसर है, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये तो हो गया फ्रेंड हमारा आंसर। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेंटेज क्यों नहीं लगाते, तो परसेंटेज इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ देखिए हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो रहा है। अगर यहाँ भी परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ भी परसेंटेज लिखेंगे तो दोनों परसेंटेज कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड यहाँ हमने क्या किया था, 100 प्लस किया था 40%, तो मतलब तो वही ये भी तो परसेंटेज में रहा। जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ना कि ए इज इतना परसेंट होगा बी के, तो इसी तरह यहाँ भी परसेंट, नीचे भी परसेंट, ऊपर भी परसेंट, तो कट जाएगा। तो इसलिए क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना, हम पहले क्यों लिखें, अकेले वैल्यूज ही ना लिख लें, इसलिए हम वैल्यू भी लिख लें, ठीक है ना फ्रेंड। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं ना,
तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर लेस होगा तो क्या करेंगे, तो मैंने पहले ही एक ग्लिम्स दिखा दिया कि लेस होगा तो हम माइनस कर देते, वही चीज़ करना भी है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 40% लेस देन बी है तो बी कितना होगा ए का, तो कुछ नहीं 40 पर को तो एज इट इज़ लिख लो। अब लेस है तो 100 माइनस 40 करो तो 100 माइनस 40 60 होता है, इंटू 100 करो। ये सब तो फ्रेंड आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, है ना। तब इसको काट दो, 20 दूनी 40, 20 तीन ऐसा, दैट मीन्स 200 अपॉन 3 आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 66 और 2/3। अब यहाँ पर डेसिमल में दिया हो तो कुछ नहीं, 66.66 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया, तो बस वही ट्रिक है जो मैंने पहले नहीं बताई डिवीजन वाली ट्रिक, उसी ट्रिक की हेल्प से आप ये सब भी कर लेंगे। डेसिमल में निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड वाला होगा, समझ में आया ना फ्रेंड। यही थी फ्रेंड हमारी ट्रिक, ठीक है, कमाल की ट्रिक फ्रेंड। हम बिना पेन पेपर के चुटकियों में भी आंसर निकाल सकते हैं ना। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।